अस्सलाम वालेकुम। कच्चे केले का कबाब बनाने जा रहे हैं। ये 300 ग्राम केला है, 100 ग्राम चने की दाल है और 15 लहसुन है, और आधा प्याज है कटा हुआ मोटा मोटा, और सूखी मिर्च है 10 है, और बड़ी इलायची है 2, एक दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, 2 चिरपत्ता है। और अब ये केले को काटने जा रहे हैं। ये केला ऐसे काटना है, इसका छिलका। इसका पूरा हरा जो है ना, छिलका पूरा अच्छे से निकालना है, हरा रहे नहीं इसमें। दाल को 2 घंटा पानी में वो डाल देना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालना है ये सारे मसाले। और केला काट कर जल्दी बनाना है ताकि वो काला नहीं हो, काला हो सकता है, केला काला हो जाएगा। इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई है, 1/2 टीस्पून जीरा भुना हुआ है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर मसाला, आधा प्याज का प्याज कटा हुआ छोटा छोटा, और 2 हरी मिर्च है, 1/2 कप हरी धनिया है, और 1 लेमन है। ये 2 सीटी हो गया है और अब तैयार हो गया। अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको पीस देंगे। ये चीरपत्ते को खाली हटा देना है। ये ब्रेड है, ये एक ब्रेड है, इसको ग्राइंड कर दिया है। हाफ टी स्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर, 1/2 टीस्पून जीरा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये धनिया, ये हरी मिर्च, ये प्याज, ये ब्रेड क्रम, सबको मिक्स करना है। ये लेमन, हाथ में ऑयल लगाकर ऐसे बना लें। इसको हाई फ्लेम पे तलना है।
लाल हो जाए फिर निकाल दूँ।